दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे प्लान की जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और इसका साइज़ बहुत ही बेहतरीन है, और क्योंकि इस साइज़ में ज़्यादातर मकान बहुत ही अच्छे बनते हैं। हालांकि मैंने इसका मात्र ग्राउंड फ्लोर डिज़ाइन किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ है दोस्तों 30x40 फिट। हाँ दोस्तों, 30x40 फिट है। 30 इसकी चौड़ाई और 40 फिट इसकी लंबाई, उसी में मैंने बेहतरीन सा डिज़ाइन दिया है आपको यहाँ पर। तो आपको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे पूरा डिज़ाइन, और आपको हम बताएंगे कि इस मॉडल में क्या क्या है। तो चलो, उससे पहले हम आपसे गुजारिश ज़रूर करेंगे, अगर आप हमारे स्मॉल हाउस प्लान पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, इससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट आप लगातार देख सकें। तो जैसे हम आपको अपने प्लान पर ले चलते हैं, ये देखिएगा फ्रंट व्यू इसका, और हम इसको हमेशा की तरीके ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखा देते हैं। जैसे आप ट्रांसपेरेंट करेंगे इस मॉडल को, तो ट्रांसपेरेंसी ये देखिए आपका चारों तरफ सब अंदर से बाहर तक दिखता है, दीवारें सारी हाइड हो जाती हैं, कुछ चीज़ें सिर्फ हाइड नहीं होती जो आपको दिख रही है। तो यही पूरा मॉडल हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसको अब हम ले चलते हैं ओरिजिनल पोजीशन पर। हालाँकि मैंने इसमें मात्र ग्राउंड फ्लोर डिज़ाइन किया है, और इसको हम जूम करके भी आपको दिखा देंगे। तो अगर हम फ्रंट की बात करें सामने की, तो जूम करेंगे तो आप देखिए फ्रंट से आपको ऐसा लुक दिखने वाला सामने से। ये इसका मेन डोर है, ये बाउंड्री है चारों तरफ, जो इसमें डिज़ाइनिंग का कुछ मैंने पार्ट डिज़ाइन किया है जो कि आप देख पा रहे होंगे। अगर अब हम बात करें इसके, क्योंकि ये एक ही फ्लोर है, अब हम इसके अंदर चलते हैं, आपको ले चलते हैं। और जैसे आप अंदर आते हैं, जैसे ये देखिएगा आपका सबसे पहले आपका ये लगभग 10 फिट के अप्रॉक्स जगह, ये देखिएगा बाउंड्री के बाद 10 से फिट का जगह आपके पास छूट जाता है। उसी में मैंने स्टेयर्स दिया है, वही जो आपका बाउंड्री होगा उसी में स्टेयर्स, जिससे आप ऊपर जाएंगे। और इसके बाद आप देखिएगा जैसे आप एंट्री करते हैं, इसके बाद ये आपका डिजाइनिंग का पार्ट है, ये आपका मेन डोर है और ये विंडो है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप एक डोर दे सकते हैं, हालांकि मैंने वहाँ से डोर नहीं दिया है। और ये एक बड़ा सा बेडरूम या गेस्ट रूम आप समझ सकते, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से एंट्री करेंगे और यहाँ पर एक बेड, सोफ़ा वगैरह मैंने सारे चीज़ें देख दिए। और आप यहाँ पर भी गेट लगा सकते हैं इसमें अंदर जाने के लिए, या इस तरफ लगा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कहाँ पर लगाते हैं। इसका ये आपका ओपन स्पेस मिल जाता है काफ़ी बड़ा सा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सारी चीज़ें। और पीछे की अगर बात करें तो पीछे आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं, बीच में इसके लेटरिन बाथरूम मिल जाती दोनों की, ये और आपका, ये आपका किचन का पोर्शन हो जाता है। सभी मैंने विंडो और आपका गेट दे दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अगर आपका इनका एग्जैक्ट साइज़ जानना है दोस्तों, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये देखिएगा ये मॉडल को, अगर आप पूरा देखना चाहते हैं इसका 2D इमेजेस, तो आप इसमें देख सकते हैं। हालांकि मैंने इसको 99 रुपीज़ इसका प्राइस रखा है, आप जैसे बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और 99 रुपीज़ का परचेस करेंगे तो आपको जिप फाइल में ये मिल जाता है। इसमें 2D इमेजेस, 3D इमेजेस विथ साइज आपको मिल जाता है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हालाँकि इसको आपको 99 रुपीज़ में परचेस करना पड़ेगा। तो ये पूरा मॉडल है। अगर हम लास्ट फ्लोर की बात करें, जी मैंने इस पर दे दिया है आपका ऊपर से छत, और स्टेयर्स आपकी यहाँ पर जाके छज्जे पे ओपन होगी, और ये बाउंड्री मैंने चारों तरफ दी है, ये थोड़ा डिजाइनिंग का पार्ट दे दिया है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये 30x40 का प्लान है दोस्तों, कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप भी कोई मॉडल बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।